प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम रा लाभार्थियों से करया संवाद। कया देश की महिला ने मजबूत करवा खातर चलाई जा रही है के योजना। प्रदेश में प्रशासन गांवों और शहरों के संघ अभियान के तहत लगाया जा रहा है काश शिविर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर रा निम्बोला विश्वा गांव और जयपुर रा ढेरा गांव आए गांव वाला सुकर हताई। प्रदेश में आज सूर राखी गई पटवार भर्ती परीक्षा। परीक्षा में नकल रोकवा खातर कराया गया खास बंदोबस्त। कई जिला में करेगी नेट पिंडी। नागौर जिला रा मेड़ता शहरी पॉक्सो विशेष अदालत 7 बरस री बच्ची सु दुष्कर्म और हत्या रा मामला माए आरोपी ने सुनाई फांसी की सजा। अदालत 30 दिन माए करया सुनवाई पूरी। अब प्रदेश माए नूवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो बा रिया। बीकानेर और जोधपुर संभाग रा कई जिला माए बह सके है बिरखार ओलावृष्टि। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार रा मैं आपनो घणो घणो स्वागत है सा। मैं हूं आपरे साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विकतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम रा लाभार्थियों सु हताई करी। इन मौका माते बना कया के देश री लुगाया ने मजबूत करवा खातर कई योजनावा चढ़ाई जा रही है। घना बरसा सु बाकी पड़िया काम बेगो करे जा रहे है। प्रधानमंत्री कया कि स्वयं सहायता समूह सेवारा खेतर माए घणो काम कर सके है। महारा देश री बेटिया हर खेतर माए पिछाण बना रही है। गोवा के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए गोवा को आवंटित किए हैं। इससे कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में गोवा में हो रहे काम को नई गति मिलेगी। साथियों, किसानों और मछुआरों को बैंक और बाजार से जोड़ने के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में गोवा सरकार जुटी है। गोवा में बहुत बड़ी संख्या छोटे किसानों की है। ये या तो फल सब्जियों पर निर्भर है या फिर मछली के व्यवसाय से जुड़े हैं। इन छोटे किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों को आसान बैंक लोन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी परेशानी को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का विस्तार किया गया है। एक तो छोटे किसानों को मिशन मोड पर केसीसी दिया जा रहा है, दूसरा पशुपालकों और मछुआरों को पहली बार इसमें जोड़ा गया है। गोवा में भी बहुत कम समय में सैकड़ों नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और करोड़ों रुपयों की मदद की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी गोवा के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिली है। ऐसे ही प्रयासों के कारण अनेक नए साथी भी खेती को अपना रहे हैं। सिर्फ एक वर्ष के भीतर ही गोवा में फल सब्जियों के उत्पादन में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। दूध का उत्पादन भी 20% से ज्यादा बढ़ा है। मुझे बताया गया है कि गोवा सरकार ने भी इस बार किसानों से रिकॉर्ड खरीदी भी की है। साथियों, स्वयंपूर्ण गोवा की एक बड़ी ताकत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होने वाली है। विशेष रूप से फिश प्रोसेसिंग में गोवा भारत की ताकत बन सकता है। भारत लंबे समय से रॉ फिश को एक्सपोर्ट करता रहा है। भारत की फिश पूर्वी एशियाई देशों से प्रोसेस होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। इस स्थिति को बदलने के लिए फिशरीज सेक्टर को पहली बार बहुत बड़े स्तर पर मदद दी जा रही है।
मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया के लोगारो काम स्थानीय स्तर माथे हो अरवणा दफ्तरा ने चक्कर नी काटाय इनी भावना रे साथे 2 अक्टूबर सु प्रशासन गावा और शहरा रे संग अभियान री शुरुआत करी की है। मुख्यमंत्री काल नागौर जिला रा निम्बोला बिछवा और जयपुर जिला रा डेहरा गांव में प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में गांव वाला ने संबोधित करया। इन मौका माते वणा गांव वाला सु संवाद कर वारी समस्या जानी साथ ही एहलकारा ने पूरी निष्ठा और सेवा भाव रे साथे मौका माते ही लोकारी समस्या रो निराकरण करवारा हुकुम दीना। अलवर और धौरपुर जिला में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य रा चुनाव खातर आज दूजा चरण रो मतदान वैरियो है। मतदान सुवारे 8 सु सिंजिया 5 बजे ताई चालो। दूजा चरण में 8 पंचायत समितियां रा 172 वार्डा और 900 जुड़िया जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रा खातर मतदान वियो। वटे ही पंचायत समिति सदस्य खातर 661 उम्मीदवार मैदान में व्या। तीसरा चरण खातर 26 अक्टूबर ने मतदान वैलो जबकि मतगणना 29 अक्टूबर ने होवेली। वल्लभनगर अरधरियावद विधानसभा सीट माते 30 अक्टूबर ने होबाड़ा उपचुनाव खातर तैयारियां जोरा माते चल रही है। इन कड़ी में चुनाव आयोग उपचुनाव आड़ा खेतरा रे आरएसआरए रा इलाका में राजनीतिक दला ने प्रचार संबंधी किनी भी तैयारी गतिविधि नहीं करवाने कया है। आयोग कया के जिन विधानसभा खेतरा माए चुनाव वैरियो है वटे सगड़ा जिला माए आदर्श आचार संहिता लागू मानी जावेली। प्रदेश भर में आज सु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री काणी सु पटवार भर्ती परीक्षा राखीगी। 5,379 पदा खातर आज अरकाल 4 चरणा माए होरी परीक्षा खातर 23 जड़ा माए 1,170 केंद्र बनाया गया हा। परीक्षा खातिर 15,62,032 अभ्यर्थी आवेदन करया। बोर्ड परीक्षा माए नकल रोकपा खातर खास बंदोबस्त कराया गया है। इनरे तहत राजधानी जयपुर सहित कई जिला माए सुमारे 6 बजे से सिंजिया 6 बजे तक इंटरनेट बंद रखा गया है। इसमें हमारा रीजनिंग थोड़ा अच्छा रहा है, इसके अलावा मैथ में मीडियम सा रहा है, इसके अलावा जो जीके का पार्ट था और इंडिया लेवल का वो थोड़ा हमारा लो रहा है। और मुझे सेंटर पास ही मिला है, ज्यादा दूर नहीं मिला और पेपर इजी था, मतलब ज्यादा टफ नहीं था। पेपर में रीजनिंग थी, मैथ थी, जीके थी, हिंदी थी, साइंस थी, लेवल ठीक था। प्रत्येक सेंटर पर पुलिस जाब्ता लगा है फिस्किंग के लिए, कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए, और जिसमें दो दो कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल का जाब्ता है। साउथ डिस्ट्रिक्ट में करीब 44 सेंटर हैं, उन सभी पे व्यवस्था की हुई है। और SHO की टीम भी जॉइंट टीम फ्लाइंग स्क्वाड में है और बाकी व्यवस्था ट्रैफिक के हिसाब से हमारे जिले में भद्रवास पे बनाया हुआ है बस स्टैंड। प्रदेश में यादिना मौसमी बीमारियां सु पीड़ित मोटी तादाद में मरीज सफाखाना में पूग रहा है। एड़ा में चिकित्सा महकमो इन बीमारियां सु बचाव खातर खास जुगत कर रहे है। जयपुर रा SRG सैटेलाइट सफाखाना रा अधीक्षक और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश सिंह रो कहना है कि डेंगू मलेरिया सहती दूजी मौसमी बीमारियां सु बचाव खातर आपरा आरएसआरए पानी जमा न होबा देवे और माछरा ने पनपना नहीं देवे, साथ ही टाबरा ने पूरी बाजूरा कपड़ा पहनावे और पानी खूब पिलावे। बना कया के डेंगू ला लक्षण आबारे पछे बेगी ही सफाखाना जार डॉक्टर ने दिखावे। ये जो पूरा पखवाड़ा जो है उसको डेंगू को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूलों में भी बच्चों को अवेयरनेस की जा रही है, जिसमें बच्चे हाफ बाजू के शर्ट नहीं पहने, पूरी बाजू के शर्ट पहने, मच्छरों को काटने का मौका ना दे, पूरे सॉक्स पहने, अपना बचाव रखें, मच्छर भगाने से संबंधित जो भी उपाय किए जा सकते हैं वो करें। और पानी को खास करके जहाँ जहाँ इकट्ठा हो जाता है, जो पानी अपने आप नेचुरल वे में सूख जाता है लेकिन बारिश होने से वो दोबारा से कहीं भर जाता है, उन जगहों को खाली रखें। जैसे खास करके कूलर्स हैं, आपके गमले लगाने के पॉट्स हैं, या जो प्लास्टिक यूटेंसिल्स हैं, जैसे आपके टायर्स हैं, या जैसे कोई जो फूटी हुई चीज़ें पड़ी हैं जो आपने पहले सफाई नहीं की हैं। अब दीपावली का मौसम है, दीपावली से मौसम से पहले
हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में साफ सफाई रहे, तो हर आदमी अवेयर हो के वो साफ सफाई आज ही क्यों नहीं कर ली जाए, जिससे क्या है कि उन मच्छरों का जो जो उनको डेवलप होने की जो जगह है, जो है उनको ब्रीड करने की जो जगह है, उसको अपन ख़त्म कर सकें और इस डेंगू से हम इजाद पा सकें। डेंगू के जो लक्षण हैं, उसे साधारण लक्षण हैं, उसमें आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको सलाह देंगे, पानी का ध्यान रखें, पानी पूरा बच्चे को देते रहें या पेशेंट जो भी है उसको देते रहें, जिससे पानी की कमी उसमें नहीं हो पाए। उसके अलावा चिकित्सक की सलाह लें, चिकित्सक की सलाह से जांच कराएं और अगर जरूरत पड़ने पे पेशेंट को भर्ती कराएं। नागौर जिलारा मेड़ता शहरी पॉक्सो विशेष अदालत 7 बरस री मासूम बच्ची सू दुष्कर्म और हत्या रा मामला माए आरोपी ने फांसी दी सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा बताया कि अदालत 30 दिन माए सुनवाई पूरी करता व्या मामला माए टाबरा रा मुंह बोलिया मामा ने दोषी मानता व्या या सजा सुनाई। पादू थाना क्षेत्र के केरिया माकड़ा ग्राम के एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दिनेश जाट ने बलात्कार कर उसकी गला घोट कर हत्या कर दी थी, जिसमें आज श्रीमती रेखा राठौड़ पॉक्सो न्यायाधीश ने एम फैसला करते हुए मृत्यु को धारा 302 IPC में वे 5/6 पॉक्सो एक्ट में मृत्युदंड से खारिज किया है। प्रशासन शहरा रा संघ अभियान के तहत आज जयपुर जिलारी बस्सी नगर पालिका माए शिविर राख्यो गयो। तहसीलदार प्रेमराज मीणा बताया कि इन कैंप ने माए करीब 21 विभाग आपरी सेवा दे रहा है। नगर पालिका री काणीसू आवासीय कॉलोनी ने माए बसिया हुआ लोगा रा मकाना रा पट्टा जारी कराया जा रहा है। इन कैंप रे साथ ही शिविर स्थल पर आ वैक्सीनेशन भी करो जा रहे है। नगर पालिका उसके साथ राजस्व विभाग, उसके साथ में पेंशन विभाग, रोडवेज विभाग आदि की सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। नगर पालिका के द्वारा जो भी आवासीय कॉलोनियाँ यहाँ पे बसी हुई है, उन आवासीय कॉलोनियों का पट्टे जारी किए जाएंगे। जो आवेदन अब से पहले प्री कैंप में आ चुके हैं, उन सभी आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है और सभी के पट्टे तैयार कर आज वितरित किए जाएंगे। साथ ही राजस्व विभाग के द्वारा अगर किसी व्यक्ति का नामांतरण पेंडिंग हो, अगर किसी के नाम में दुरुस्ती करवानी हो या अन्य कोई कार्य हो, वो भी किए जाएंगे। मेरा मीटर खराब हो गया था 10-15 दिन से, उसको सही करवाने के लिए कैंप में आया था, तो कैंप में एप्लीकेशन लगा दी मैंने, वो मीटर सही हो गया। जयपुर रा मानसरोवर रा महात्मा गांधी सरकारी स्कूल माए 100 मेडल टारगेट फाउंडेशन री काणीसू टैलेंट सिलेक्शन कैंप राख्यो गयो। इन माए शहरी और गांव माए खेल प्रतिभा ने आगे बढ़ावा खातर बनाने प्रशिक्षित करवा रो काम करो जा रहे है। बनाने न्यारा न्यारा खिलाड़ी तैयारियां खातर संसाधन मुहैया कराया जा रहा है। कर्नल हिम्मत वर्मा बताया कि संस्था रो लगस आबा आला ओलंपिक खेला खातर बत्तो खिलाड़िया ने तैयार करो जा सके और देश ने कमो कम 100 पदक दिलावे। हमारी जितनी आबादी है 135 करोड़ की, और उसके बनस्पत हमारे जितने मेडल आते हैं वो हमारी काबिलियत बहुत ज़्यादा है, और इसी मुद्दे को लेके मैंने अपना एक NGO स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं हर एक लेवल पे जाके टैलेंट का सिलेक्शन करता हूँ, आइडेंटिफिकेशन करता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, उनका मैं टेस्ट कर रहा हूँ आज, और सेलेक्ट किए हुए बच्चों को जिस तरह उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए, उनको आगे किस तरह से बढ़ावा देना है, उनको किट देना है, उनको और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, यही उद्देश्य है मेरा NGO का, और इसी उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 180 बच्चे आए और उनका हमने उन्हें सिलेक्शन किया है। उसमें से जो 2 बच्चे जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया आज के टेस्ट में, उनको हमने टी शर्ट दिया है, और इस स्कूल से पहले ही अच्छे बच्चे हैं स्पोर्ट्स में, उनको भी हम 2 इनाम दे रहे हैं दिया है, और इसके अलावा स्कूल को भी हमने इनाम स्पोर्ट्स का आइटम दिया है। बहुत बड़ा जिम्मा उठाया है कि मैं देश के बच्चों को आगे ओलंपिक्स तक भेजने के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए उन्होंने हमारे विद्यालय को चुना, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण क्षण है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि वो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और आज जिस प्रकार से जो आयोजन हो रहा है उसमें बच्चों का इतना मॉरल बूस्टअप हो गया है, इतने मोटिवेटेड हो गए हैं कि बच्चे चाहते हैं कि मैडम हर हफ्ते हमारे गेम्स हों और हमारे पास ऐसे लोग आएँ जो हमें आगे प्रोत्साहित करें, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो डिप्राइव्ड हैं, उनके पास आर्थिक सुविधा नहीं होती है, ना ही उनके पास जूते ट्रैक बॉटम कुछ भी नहीं होता एक तरीके से, तो वो जब सुविधाएं मिल जाती है तो बच्चे में अपने आप ही उत्साह आ जाता है, जागृत हो जाता है। आज मुझे इनकी तरफ से ट्रैक सूट और शूज़ मिले हैं, मैं
अपने गेम कराटे के अंदर भारत को ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाना चाहता हूँ। उदयपुर में भारतीय स्टेट बैंक की कानीसु एहलकार और कर्मचारियों ने सतर्कता जागरूकता बाबत जरूरी जानकारी दी गई। इन मौका माते बैंक रा सहायक महाप्रबंधक अजय कुमार झा सहती कई एहलकार मौजूद व्या। कार्यक्रम में सतर्कता जागरूकता री महता माते चर्चा करता व्या। समाज रा हर वर्ग ने इन बाबत जागरूक रहता हुआ काम करवा खातर प्रेरित करो गयो। जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत रजा पर्व 2021 राख्यो जा रहे है। इन पर्व री शुरुआत एसएच रजा ऑथोराइज्ड प्रिंटस माथे आधारित प्रदर्शनी रे साथे करी की। प्रदर्शनी रो उद्घाटन हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय रा कुलपति ओम थानवी करया। जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया कया कि रजा फाउंडेशन दिल्ली रे साथे पहली बारी रजा पर्व राख्यो जा रहे है। बना बताया कि इन प्रदर्शनी में रजा री कलात्मक यात्रा ने 21 पेंटिंग्स रा जरिया सु प्रदर्शित करो जा रहे है। हमारे भारत के महान चित्रकारों में एक थे, लंबी उम्र उन्होंने पाई और कुछ समय पहले उनका निधन हुआ। उनकी जन्म शती मनाई जा रही है और उसकी शुरुआत जयपुर से हुई है। रजा साहब अगर जीवित रहते तो अगले साल 100 साल खुद मना रहे होते, लेकिन उनकी कृतियों के साथ में रजा फाउंडेशन ने जो सिलसिला शुरू किया है जयपुर से, मैं मानता हूँ कि राजस्थान के लिए ये गौरव की बात है। और इसलिए भी कि रजा साहब को राजस्थान से बहुत प्यार था, मैं मानता हूँ कि एक बड़ा आयोजन जयपुर में हुआ है और कोरोना के बाद में सांस लेने को एक राहत जो हमें चाहिए वो इस प्रदर्शनी से भी हमको मिली। सैयद हैदर रजा सर हैं, उनका जन्म शताब्दी समारोह हम लोग मना रहे हैं और यह जवाहर कला केंद्र का सौभाग्य है, जयपुर का सौभाग्य है कि हमको हमारे इस जवाहर कला केंद्र से इस प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। रजा साहब न सिर्फ चित्रकार थे बल्कि उनको कला और नृत्य संगीत इनसे भी बहुत बेहद लगाव था, पोइट्री से बेहद लगाव था और इसी को ध्यान में रखते हुए रजा फाउंडेशन के साथ सहभागिता में हमने आगे की जो श्रृंखला है उसमें हिंदी पोइट्री का भी एक कार्यक्रम रखा है और कथक और ख्याल का भी कार्यक्रम रखा है, जिसमें शास्त्रीय संगीत जो उनका प्रेम था, स्नेह था, उसको ध्यान में रखते हुए। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक भ्रमण माते आया बीकानेर जिला रा कई आयुर्वेद चिकित्सालय रे चिकित्सकों ने अठे हाईटेक नर्सरी और हर्बल वाटिका देखी और गर्म शुष्क जलवायु में औषधीय पेड़ पौधा रे रख रखाव रे संबंध में जानकारी लेनी। ब्रह्मण रे बीच आयुर्वेद चिकित्सक विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर आर पी सिंह सु भेंट करी। वना चिकित्सका ने कृषि विश्वविद्यालय रिकाणी सु कराया गया नवाचारा रा आयुर्वेद में जरूरी योगदान रे बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार रा स्वदेशी जागरण अभियान रे चलता राजस्थान में भी स्वदेशी री मांग तेजी से बढ़ रही है। दीपावली रे मौका माते दीपक और पूजा रा कई समान माए मिट्टी से बनया बर्तना माए अब स्वदेशी री मांग करी जा रही है। चूरू जिला माए दीपावली खातर दीपक बनाबाला कुंभकारों रो कहवणो है कि लाड़ला दिना रे मुकाबले अब देशी दीपकारी मांग बढ़वासु बनारो दुगनो काम करनो पड़ रहे है। हालांकि मिट्टी री उपलब्धता माए कमी और मांग बढ़वा रे चालता पहली री मुजब इन बारी कीमता माए मामूली बढ़ोतरी देख पाने मिली है। ये जलाते हैं पूरे गांव में और मिट्टी के दिए, हमारे परंपरा चली आ रही है सदियों से कि गांव में सभी लोग दीपावली के दिन मिट्टी के दिए जलाते हैं, पूरे गांव में रोशनी मिट्टी के दिए से की जाती है। ये मिट्टी से बनाए हुए दीपक या मिट्टी से बनाए हुए बर्तन वो ही हमारे पूजा वगैरह पद्धति में वो ही काम में लिए जाते हैं और हम पारंपरिक रूप से पूरा परिवार पूरा गांव मिट्टी के बर्तनों के दीपक यूज ही करते हैं। जल में से माटी के कलश है, दिवाली पूजन करा प्रवेश करा आज माटी मान्य है। दिवाली के 20 दिन पहले से शुरू हो है, दिवाली खत्म कर दे माँ दादा परदादा से मना रहा युवा इन्हें जो कोर पहली तो माटी ने बेवे और बेके ने फिर भी ने बोरी पर गेरे गेर के ने पगाऊ गावे और गा के ने फिर भी का पिंडा बनावे फिर चाक पर धरे चाक पर धर के ने और फिर धीरे धीरे 10 मिनट में एक दीवो बनेगो। ये दिए वातावरण के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए चाइनीज दियो को बहिष्कार करके हमें भारतीय दियो को यूज करना चाहिए और ताकि हमारा वातावरण अच्छा हो और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहे।
राजस्थान देश का खास सरसों उत्पादन राज्य रूप में उभर रो है। अठे करीब 30 लाख हेक्टेयर खेतर में सरसों की बुवाई करी जावे है। कृषि महकमा रा संयुक्त निदेशक रामगोपाल शर्मा या जानकारी देवता व्या बताया कि प्रदेश में 2,10,000 काश्तकार ने 2.2 किलो सरसों रो उन्नत बीज निःशुल्क बांटा जा रहा है। भारत सरकार भी इसी भावना से कार्य कर रही है कि राज्य में सरसों का तेलहनी उत्पादन बढ़े और इसके कारण अपने को आयात पर जो निर्भरता है तेलों की वो कम हो। इस उद्देश्य से विशेष तेलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत राजस्थान राज्य के 2,10,000 किसानों को 0.4 हेक्टर तक के लिए बीज, 2-2 किलो थैली जो सरसों के बीज की है वो निःशुल्क वितरित करवाई गई है। और इस समय कई किसान भाई इन ऐसी किस्मों का चयन किया गया है जो 20 क्विंटल से अधिक प्रति हेक्टर की उपज देने की क्षमता रखती है, ऐसे बीजों का चयन किया गया है। वो बड़े किसान जो सरसों की बुआई कर रहे हैं और जिनको मिनी किट का बीज पर्याप्त रहता है, ऐसे कृषकों को निःशुल्क 2 हेक्टर तक का बीज देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम और चलाया है। उसके अंदर भी बहुत अच्छी जो सहकारी क्षेत्र की और सरकारी क्षेत्र की जो किस्में हैं उनका बीज वितरण करवाया जा रहा है। राजस्थान राज्य को करीब 7,000 क्विंटल निःशुल्क बीज वितरण के लक्ष्य मिले हुए हैं। उनके तहत विभिन्न संस्थाएं जो सरकार की या सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं हैं वो तिलन का वितरण करवा रही हैं कृषि विभाग के माध्यम से। T20 क्रिकेट विश्व कप माए सुपर 12 रा मुकाबला आज सु शुरू हो गयो। पहलो मैच माए अबुधाबी माए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका रे बीच खेलो जा रहे है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतर पहला गेंदबाजी करवारो फैसलो लीना। दक्षिण अफ्रीका री टीम पहली बल्लेबाजी करता व्या निर्धारित 20 ओवर माए 9 विकेट परा 117 रन बनाई है। जयपुर रा 61 केवलरी ग्राउंड माए चाल रहा एशियन गेम्स ट्रायल खातर आज 51 घुड़सवार आपरा घोड़ा रे साथ है हिस्सो लियो। 61 केवलरी रा कमांडेंट रोहित डागर बताया कि चाइना माए होबा आला एशियन गेम्स खातर यह ट्रायल चाल रहा है। उन्होंने बताया कि जयपुर माए इनरो पहलो चरण है। इनरे पच्छे दिल्ली, बेंगलुरु और मेरठ माए इनरा ट्रायल होवेला। ये जो इवेंट आप देख रहे हैं आज यहाँ आयोजित किया गया है, ये एशियन गेम्स जो अगले एशियन गेम्स हैं चाइना में होने वाले 2022 में, उसके सिलेक्शन ट्रायल नंबर 1 है। ऐसे 5 ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। पहला ट्रायल जयपुर में जो अभी हो रहा है, उसके बाद दिल्ली में, फिर बैंगलोर, फिर दिल्ली और आखिरी ट्रायल जो होगा वो अगले साल अप्रैल में मेरठ में होगा। और इस प्रतियोगिता का आखिरी जो दिन होगा लेग वो है शो जंपिंग फेज, वो अगले दिन टुमारो आज कल किया जाएगा शाम को 3 बजे। प्रदेश माए एक बार फेरू पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा रियास है। इंद्रा प्रभाव सु आज और कल बीकानेर और जोधपुर संभागरा के जिला माए बिरखा और ओलावृष्टि बह सके है। इन दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सु हवा भी चाल सके है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला माए हल्की बिरखा और ओलावृष्टि होबा रियास है। और आओ एक बार फिर सु जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम रा लाभार्थियों सु करा संवाद। कया देश भी लुगाया ने मजबूत करवा खातर चलाई जा रही है के योजना। प्रदेश में प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान के तहत लगाया जा रहा है खास शिविर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर रा निम्बोला बिश्वा गांव और जयपुर रा डेहरा गांव माए गांववाड़ा सु करया हताई। प्रदेश भर माए आज सु राखी जा रही है पटवार भर्ती परीक्षा। परीक्षा माए नगर रोग में खातर कराया गया खास बंदोबस्त। कई जिला माए करेगी नेट बंदी। नागौर जिला रा मेड़ता शहरी पॉक्सो विशेष अदालत 7 बरस की बच्ची सु दुष्कर्म और हत्या रे मामला माए आरोपी ने सुनाई फांसी की सजा। अदालत 30 दिन माए करया सुनवाई पूरी। और प्रदेश माए नूगो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होबा रियास। बीकानेर और जोधपुर संभागरा कई जिला माए वह सके है बिरखा और ओलावृष्टि।
और चलो इन बुलेटिन में अथरुच नमस्कार।